हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं कर रही थी व्लॉग की एडिटिंग, क्योंकि कल रात को हम ऐसे ऐसे ही रख के सो गए थे यानी थोड़ी थोड़ी दोनों ने करी है पूरी मैं ठीक है, चिकू ने करी है, क्योंकि हम रात को आए भी लेट ही थे, लगभग 9:30-10 तो बज ही गई थी और थक भी गए थे, तो एडिटिंग अभी करी है और एडिटिंग ये हो रही है, वीडियो रेंडर थोड़ी देर में हो जाएगी अपलोड और फिर आ जाएगी आपके पास, आप देख रहे होंगे वीडियो को और मज़ा आ जाएगा। तो आज हमने कुछ नया ट्राई किया है, रात को सिर्फ टाइमलाइन बना के सो जाने का और सुबह उठ के एडिट करने का और अपलोड करने का। ठीक है, ये भी सही है, हम जल्दी उठने वाले थे पर मैंने कहा मेरे को नींद आ रही है, सोने दो, तो दोनों वापस ही सो गए। चिकू बोले नहीं नहीं उठ जाएंगे जल्दी जल्दी, अब तो तुम वापस से योगा वगैरह चालू करो, दोनों साथ में जल्दी उठ के अब योगा करेंगे। पर मैंने कहा आज के दिन नहीं, कल से अपन जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे। बोले कल इतने जल्दी सोए नहीं थे पर जल्दी उठ भी नहीं पाए, एक दिन तो रहता ही है, फिर एक दिन ही नींद बिगड़ेगी फिर तो रूटीन बन जाएगी। ओके, तो चलिए अब हो जाती हूँ मैं रेडी और फिर आपसे मिलती हूँ। आज हमारे घर पे बहुत ही अच्छा एक मेहमान आया है, प्यारा प्यारा, उस मेहमान को हम दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में। हम हाय फ्रेंड, बोले वो पानी में डाल दी, अरे यार तो निकालनी पड़ेगी ना, रुक जा, बोल दे हाय, यूं कह दे, चल हाय यूं बोल दे। अरे साफ कर दो, अरे साफ कर दो, लाओ मैं कर देती हूं, मेरी साड़ी से कर देती हूं, चलो गियो, लो पकड़ लो, हाय यूं बोल दो, अब हाय बोल दो। ओ भाई बोलतो उस नहीं है साहब, यहां पे क्यों है, हां यहां पे, हां अपन यहां पे ही सोएंगे अभी, बुआ का रूम है ये, अपन सब इधर सोएंगे। कानू हाय यूं बोलो, हाय हाय, मैं रोमा बुआ के घर आया हूँ, यूँ बोल दे, रोमा के घर आया हूँ, क्यों आया है वो भी बता दे। चल ये चाचू क्या सिखाता है आपको, तार रोमा के घर आना है तो इतना क्यूट के, और तेरे बाल किसने काटे ये भी बता दे, बाल किसने काटे ये भी बता दे, बुआ ने, बुआ ने, अभी इसके बाल कटिंग हुई है, वो मैं व्लॉग में ले नहीं पाई पर एक दो फोटो खींचे है हमने, जोरदार लग रहा है, बहुत हैंडसम, बोल दे हैंडसम लग रहा हूँ, नहीं बोल दे मैं हैंडसम लग रहा हूँ, हाँ कुदस। आपने जैसे कि देखा कि ध्रुवम आया हुआ था, कानू मेरे भाई का लड़का, मेरे भाई भाभी और ध्रुवम तीनों आए थे, तो यहीं पर मैंने लंच बनाया था, तो लंच वगैरह करके वो गए हैं 3 बजे और बस अभी सफाई में जुट गई हूँ, आप देख सकते हो आज मम्मी के रूम की सफाई हो रही है, उस रूम में हो रही है सफाई, क्या हाल हो रहा है घर का, और अभी मैं भी साथ में सफाई करने लग रही हूँ, और ध्रुवम आया था, ध्रुवम के हेयर कट किया पर मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि कैमरा में लेकर ही नहीं गई थी इसलिए, और अभी कर रहे हैं सफाई सफाई वगैरह करके फिर आपसे मिलते हैं। करते करते हाथ में लगा खजाना, मम्मी पापा की शादी का एल्बम देख रहे हैं हम, मैं देख रही हूँ, ये मम्मी, ये हमारी पुरानी फैमिली फोटो, ये मम्मी पापा, सफाई करने का एक फ़ायदा है पुरानी पुरानी चीज़ें हाथ लगती है और मज़ा आता है देखने का बड़ा। तो अभी तो हो गया लगभग रूम में, पर्दे मैंने सारे निकाल दिए हैं, अभी मैं एक तरफ पर्दे धो रही हूँ और सफाई भी कर रही हूँ, इसका जो ऊपर का था कवर वो निकाल दिया, वो भी वॉश हो रहा है, बस इतने कॉकरोच निकले रूम से पूछो मत। पर्दे धुल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर मैं शॉप पर जाके आ जाती हूँ, 6 तो बज गई हैं पर थोड़ी देर जाना भी ज़रूरी है। दुख ही रहा है ना, मजाक अभी लगाया है शॉप के बाहर, ये सांबरानी कप जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है,
जो कि मैं सुबह आई थी तो भी मैंने नोटिस की थी, और बहुत ही अच्छी खुशबू है, और अभी वाली भी ज़ोरदार है। और ये आ गए हैं सामरानी कप अलग अलग फ्लेवर्स में। कौन सा फ्लेवर कौन सा है बता दो हैप्पी भैया। मैं शॉप पर आई थी और कैमरा भी लेकर आई थी हालांकि, और मैंने ये शॉपिंग कर ली है। ये तीन मैंने सामरानी खरीदी हैं। फर्स्ट है ये गूगल, जो कि हम सब जने पूजा में यूज़ करते हैं, और सेकंड है चंदन, और फिर है रोज़। तो ये तीनों मैं ले जा रही हूँ, और आज एक आधा तो लगाऊंगी जाकर, अभी आरती वगैरह करेंगे। और कैमरा लेके आई थी पर कैमरा हो गया डिस्चार्ज, कैमरा भाई कुछ काम नहीं आया अपने, तो कैमरा को अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और अब चलते हैं घर पे। जैसे ही शॉप पे आई कस्टमर आ गए थे, थोड़ी और बिजी हो गई, हाथ भी थोड़ा दर्द हो रहा है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, बस वही चक्कर पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं अब घर पर, और फिर आपसे मिलेंगे। गुंजा लगाना है अभी गूगल क्रोम। गूगल ऐसे एक जगह चक्कू ले लो, वही तो किचन में खड़े रह गए अपन। कहे खल का था तोड़ ले। हाँ अपने पास इसके नीचे रखने का स्टैंड तो है, निकालो या फिर निकाल दो। निकालना है भाई, जितने स्टैंड होंगे उतने संभालना पड़ेगा। कोई नहीं, एक बड़ा ठीक है इसको, थोड़ा आगे, ये आगे आगे वाला ही जलाना, नहीं क्या फास्ट हो गया। हाँ ये पूरी है नवरात्रि वाली खुशबू, थोड़ी सी और जलाऊं क्या? वैसे तो जल जाएगी ये धीरे धीरे, पूरी ही ले ले वो। हाँ वो भी से खुशबू कैसी है? खुशबू कैसी? बहुत अच्छी खुशबू है। ये अभी सफाई हो रही है इसलिए माइंड मत करना। स्मोक भी इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहा है, और बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पापा को भी बहुत अच्छी लग रही है। अभी हम कपूर यूज़ कर रहे हैं एरेंस का, ये मम्मी कपूर की कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। ये वाला हटा दो, आपका वाला तो इतना ही थे बेटा, हटा दो पूरा ओरिजिनल ही लो, नकली असली अच्छा तो नहीं लगेगा। हमारे ये सरस्वती वाला था कपूर, और फिर हमने बदली कर, अब हमने बदला दिया, फिर ये हमारे ओरिजिनल आ गया अरेंज का। ये हम वापस ले लेते, पहले वाला है नकली है, यू बोल रहे हमारे चिकू भैया ऐसे बोल रहे, तो चलो ले लेते नकली वाला और असली वाला इस्तेमाल करते। अब आरती करके फिर आपसे मिलते हैं। आधे पर्दे छोड़कर चली गई थी शॉप पर, तो वापस आ रही हूँ, साथ में पर्दे धो रही, और यहाँ पर ये फलहार सजा के लेके आई हूँ। व्रत करवाओ ऐसे करवाओ, पर सच बताऊँ ना, नवरात्रि के व्रत करने के साथ फलहार करने का मज़ा ही कुछ और है, अलग ही फील आता है। हाँ पहले करते थे बचपन में, हम तो शेगार के लिए व्रत करते थे, हम खुद करते थे, और वो भी साबुदाने वाला, वो पहले तो साबुदाने वाला ही होता था, साबुदाने सुबह भिगा के रखते थे, वो बस वो उसके लिए शेगार करना है यूँ, क्या मज़ा आता था। पर अभी भी आ रहे हैं मज़े, हालांकि ये अभी शेगार लाए चिकू अलग अलग वेराइटी के, बस ये अब अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। पापा और मम्मी के लिए भी प्लेट भर कर दे दिए, हमारे लिए भी प्लेट लेके आ गए। और अब से मैंने एक न्यू रूटीन सोच लिया, रात को हम टाइमलाइन बना के सो जाएंगे व्लॉग के, सुबह उठ के चिकू व्लॉग एडिट कर देंगे, और मैं सुबह जब चिकू नहाने गए होंगे तब मैं व्लॉग को कर दूंगी अपलोड।
चलिए अभी हो रहा है घर का काम, और मैंने आपको बताया था जैसे कि साफ़ सफाई चल रही है तो मैं अभी सारे पर्दे धो रही हूँ, मम्मी के रूम के जितने भी थे तो वो यहाँ तक देखने के बाद व्लॉग अच्छा लग गया हो तो वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है। तो मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।